नमस्कार, पब्लिक फोरम में आपका स्वागत है। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज कांग्रेस का भारत बंद है। जो खबरें अभी तक मिल रही हैं उसके अनुसार बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। कांग्रेस ने शांति बनाए रखने की अपील की थी और कहा था कि हाथ जोड़ करके बंद कराइएगा, लेकिन बिहार में हिंसा दिखाई दी। और दिखाई नहीं दी बल्कि आरोप तो यह है कि बंद के जाम में फंसकर जहानाबाद में एक बच्ची की मौत हो गई। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था किंतु उसे रोक दिया गया। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने दावे के साथ कही है और पूछा है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से, इस बच्ची की मौत का कौन जिम्मेदार है। हालांकि जो स्थानीय स्तर पर खबरें आई हैं उसके अनुसार एसडीओ ने यह कहा है कि बच्ची की मौत का बंद से कोई लेना देना नहीं है। बच्ची देर से ही घर से चली थी, बात यह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात कही है। तेलंगाना में मिला जुला असर, कर्नाटक में तो असर दिखना ही था, मुंबई में भी संजय निरुपम गिरफ्तार कर लिए गए, ट्रेनों को रोक दिया गया, उन्हें ट्रेनों से जो बंद के समर्थक थे उनको हटाने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तृणमूल कांग्रेस ने हालांकि ये कहा था कि हम बंद में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कोशिश है कि तेल के दामों को लेकर के जनता में गुस्सा है और लोकतंत्र में यही एक ऐसा हथियार होता है जिसके द्वारा जनता अपनी आवाज़ उठाती है। हालांकि लोग इसे राजनीति से प्रेरित भी बताते हैं। अब कांग्रेस ने आह्वान किया था तो लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल करेंगे भी। और जैसा आम जन की आवाज़ हम सुन रहे थे उसमें भी तो कह रहे थे कि जब 68 रुपये लीटर तेल हो गया था तो कांग्रेस ने इसे आर्थिक आतंकवाद कह करके भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया था। कहा था ये आर्थिक आतंकवाद आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से बार बार कहा था कांग्रेस ने कि आप इसको आर्थिक आतंकवाद कह रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उस पर पलटवार कर रही है। ये है एक राजनीतिक संजीदगी जिसका परिचय आज दिया गया। अब इस संजीदगी पर सवालिया निशान है, कहाँ की संजीदगी है, क्या हो रहा है इस देश में, देखने की बात है। आइए, हमने इस पर आम जन की राय ली। हमने आम जन से पूछा क्या भारत बंद का असर पड़ेगा, क्या तेल के दाम कम होंगे, क्या तेल के बढ़ते दामों से जो महंगाई हो रही वो रुकेगी, क्या कांग्रेस को इससे फायदा होगा। हमने इस तरीके के सवाल पूछे, देखिए आम जन क्या उत्तर देते हैं। आइए, सबसे पहले हम चलते हैं फतेहपुर। जो भी हो रहा है वो महंगाई के कारण हो रहा है, जनता त्रस्त है, हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। हम तमाम जनता पूरे देश की मिलकर के दबाव बनाएंगे और पेट्रोल के दामों में कमी करने का प्रयास करवाएंगे। जो भी होगा हम सब जनता मिलकर के इनसे बहुत त्रस्त हैं, खास करके पेट्रोल और डीजल के दामों से। जो पेट्रोल और डीजल के दामों के कारण ही तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है और जनता परेशान होती है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के कारण ही का प्रचार करके बीजेपी सरकार आई थी। हम सारे लोग, तमाम जनता देश की महंगाई और पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों से परेशान है। अच्छा। निश्चित रूप से ये मुद्दा बनेगा क्योंकि इसी मुद्दे पर यह सरकार आई थी। जनता से वादा किया था 35 रुपये का पेट्रोल देंगे और पेट्रोल की कीमत है 85 रुपये। निश्चित मुद्दा बनेगा, यही मुद्दा बना था तब ये सरकार आई थी। अब जनता इसको मुद्दा बनाएगी और इस सरकार को वापस भेजेगी, या तो पड़े हुए पेट्रोल के दाम वापस ले।
मोदी सरकार और योगी जी की सरकार आई थी, ये तेल के और महंगाई के मुद्दे पर आई थी, जिसमें वो पूरी तरीके से फेल है। और अगर योगी जी और मोदी जी चाहें तो तेल के दामों में घटौती हो सकती है, ये जो बड़े दाम है कम हो सकते हैं, अपना टैक्स कम कर लें, पर ये लोग जनता के लिए कुछ नहीं सोच रहे। और पिछले जब इनके चुनाव थे तो ये बड़े बड़े वादे करके सरकार में आए, उसके बाद ये पूरी तरीके से विफल रहे। और इससे जो ये बंदी हुई थी, भारत बंद हुआ था, इससे जनता में बहुत आक्रोश है मोदी सरकार के प्रति, और आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे कांग्रेस के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग जो वादा करके आए थे सरकार में वो पूरी तरीके से फेल हैं और नाकाम हैं। जनता परेशान है, और ये जो तरीके के मुद्दे चल रहे हैं ST SC वाले, उसमें भी इन लोगों ने जो काम किया है तो वो बहुत ही गलत और बेबुनियाद काम। से महंगा पेट्रोल और डीजल की महंगाई में समाज जनता का जो है कमर टूट रही है, महंगाई में हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, और इससे हर आदमी जनमानस परेशान हो गया है। इनकी GST से हर आदमी परेशान हो गया है, इस महंगाई से कमर तोड़ महंगाई जो आई है इससे पब्लिक परेशान हो रही है, और ये पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ने से हर चीज़ में महंगाई आ गई, जिससे हर जनता परेशान हो रही है बार बार, और इसका चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हर आदमी कांग्रेस की तरफ देख रहा है, और सन 2019 के चुनाव में ये कांग्रेस के पक्ष में ही सब लोग होंगे और उनको उनका समर्थन करेंगे। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, रोज डीजल और पेट्रोल के रेट जो बढ़ रहे हैं, आम जनता में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आज जो रेट बढ़ रहे हैं, आम चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं और सफ़र की चीज़ें हैं, उसमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आज मोदी जी कहते हैं हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई और होती चली जा रही है। और जो आज कांग्रेस की तरफ से भारत बंद का आंदोलन है और उस पर 21 पार्टियों का समर्थन है, और जो इस समर्थन से हमें ये लगता है ये मोदी जी रेट ना भी कम करें, मगर इससे 2019 का चुनाव जो होगा इसमें बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सरकार पर तो असर पड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई बंद होता है तो देश का सारा सिस्टम जो है रुक जाता है। तो अगर कोई पार्टी बंद बुला रही, उससे जो है पार्टी पे बंद बुलाने से सरकार पर दबाव बनता है और सरकार को अपने निर्णय पे सोचने पे मजबूर करता है। तेल के दामों में जो वृद्धि हो रही है उस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से तेल के दामों में वृद्धि हो रही है। तेल के दामों के बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, क्योंकि तेल ही आम जनमानस के हर पहलू पे व्याप्त है, और तेल के दाम बढ़ने से सब्जियों के रेट भी बढ़ते हैं, स्कूल के बच्चों में आने जाने की जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी रेट बढ़ते हैं, प्लस तेल ही जो है कृषि क्षेत्र में भी महंगाई लाता है। तेल के रेट बढ़ने से आम जनमानस प्रभावित होता है। तो तेल का मुद्दा जो है पिछली UPA सरकार में भी तेल के मुद्दे पे सरकार की बड़ी बदनामी हुई थी, और मोदी सरकार पर जिस तरीके से विपक्ष का हमला है महंगाई के परिप्रेक्ष्य में, और ये जो आपको बंद दिखाई दे रहे हैं, इनका सरकार पर बिल्कुल असर पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि सरकार तक आवाज पहुंचाने का तेजी से ऐसा और कोई माध्यम नहीं है, ये बंद ही ऐसे माध्यम है जिससे सरकार को लगता है कि हम जनहित के मुद्दे पर हैं या जनहित के मुद्दों से भटक रहे हैं। तो ये बंद के माध्यम से ही ये चीजें सरकार तक पहुंचती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल सरकार पर इसका असर पड़ना चाहिए, और जो वाजिब भी है। लेकिन अभी जो तेल की महंगाई की बात हो रही है, तो इसमें केवल भारत अकेले दोषी नहीं है कि भारत में
इसके लिए सरकार को दोष दिया जाए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रभावित करती हैं इन सब मुद्दों को। तो लेकिन ये है कि सरकार को फौरी तौर पर इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि महंगाई बिल्कुल इसी तेल पर ही आधारित है। तेल अगर बढ़ता है तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, तो आपके जो आवागमन के माध्यम से जो सब्जी आती है, जो और जो सारे डेली कंज्यूम आइटम आते हैं, तो उस आम आदमी ही प्रभावित होता है। और आपने सुना, एक ही बात थी, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बंद का निश्चित रूप से असर पड़ेगा और बंद से सरकार समझेगी कि हमें अपने जनहित के मुद्दों पर ही रहना चाहिए। दूसरी बात यह भी है, कहा जा रहा सीधा सीधा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों के कारण तेल के दामों में वृद्धि हो रही, लेकिन आपको मालूम है कि तेल के दामों में वृद्धि निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन उसके अलावा राज्यों में लगने वाले टैक्स, जिसमें वैट प्रमुख है, उसने और कमर तोड़ दी है। यही कारण तो है कि चुनाव में राजस्थान सरकार ने कल ही 4% वैट में कमी कर दी है कि नहीं नहीं अब हम वैट में कमी कर रहे हैं। अब देखिएगा, चुनाव वर्ष है, कितने राज्य अभी और कम करेंगे, और नहीं तो इन्हें कोई ना कोई विकल्प देना पड़ेगा। और विकल्प क्या देना पड़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, पेट्रोलियम मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि हमें GST में लाने के लिए प्रयास करना होगा। तेल जब तक GST में नहीं आएगा तब तक इसी तरीके के दाम बढ़ते हुए चले जाएंगे। आइए चलते हैं कानपुर देहात। भारत बंद से समूचे हिंदुस्तान में मोदी सरकार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और जनता 2019 के चुनाव में इस मजलूमी छात्र विरोधी सरकार को, किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तेल के दाम बढ़ने से महंगाई क्यों नहीं बढ़ी है? आम जनता डीजल कैसे खेती किसानी करेगा किसान? आम जनता कैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगी? महंगाई इतनी चरम पे है हिंदुस्तान में, इस जब से भाजपा सरकार बनी है, जब से किसान फांसी लगा के मर रहा है, सबसे बड़ी दुखद बात है हम लोगों के लिए। तेल के दाम और ये महंगाई चुनाव में बहुत अहम मुद्दा बनेंगे। जी, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो ये किसान विरोधी छात्र विरोधी सरकार है, इसका ये 2019 में हम छात्र नौजवान इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। अब तेल के दामों में मोदी सरकार और केंद्र यूपी की सरकार कुछ अगर दिखता है तो ज़रूर तेल के दामों में कमी आएगी। बिल्कुल, ये बहुत अहम मुद्दा बनेगा चुनाव का। पड़ेगा क्या तेल के दामों में कमी आएगी? देखो, वो तो सरकार के ऊपर है, सरकार मतलब वो अपना दबाव देखेगी तो फिर काउ कमी बना सके। जी क्यों नहीं दिखाई देगा? इतना बेरोजगार हो रहा है, इतना पेट्रोल आयल सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्यों नहीं होगा? इससे पूरी पब्लिक, आम जनता मर रही है, बिल्कुल खुलाएगी क्यों नहीं? कुछ अगर समझदार होंगे तो ये चीज़ समझेंगे, उनकी समझेंगे क्यों बंद किया जा रहा है, क्या देखें इसमें दिक्कत आ रही तो बंद करेंगे, बढ़ाएं कम करेंगे दाम का। दाम तो चुनाव में मुद्दा तो बनना ही चाहिए और बनेगा भी, अगर नहीं बनेगा तो फिर कैसे सरकार वो जीतेंगे कैसे? यही तो एक मुद्दा बनाएंगे वो लोग। बिल्कुल पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ऐसी सरकार है जो सो रही है, जगने के नामे नहीं ले रही, जनता परेशान है। हमें तो नहीं लगता है कि शायद कुछ गिरावट हो। जी हाँ, किसान युवा हर वर्ग को नुकसान हुआ है पेट्रोल डीजल बढ़ने से। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जनता परेशान है, युवा बेहाल है। इसमें ये स्थिति है कि आदमी रोड पर डीजल पेट्रोल डलवा नहीं पा रहा है, गरीब कुछ रोजगार नहीं तो करेगा क्या वो? आम जन का कहना है कि चुनाव में तेल के दाम मुद्दा बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। और क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त है
और दाम घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज ही जब भारत बंद है 35 पैसे 45 पैसे कहीं 50 पैसे तेल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। मुंबई की खबर है 88 रुपए पार कर गया है तेल का दाम। क्या कहेंगे आप? इसलिए तो जनता परेशान है और कह रही है कि 21 राजनीतिक दलों का समर्थन है बंद को, बंद का असर पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग निराश भी हैं, कह रहे नहीं नहीं ये सरकार सुनेगी नहीं, ये सरकार सोती रहेगी, ये ध्यान नहीं देगी। लेकिन ध्यान न दे, चुनाव आ रहा है, चुनाव में तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। यहाँ हम छोटे से लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर सुनाएंगे आम जन की कटीली आवाज। पाइए जबरदस्त फायदे का सौदा। देवपुरी फेज 1 व 2 के बाद विपिन कुमार वर्मा और देवपुरी डेवलपर्स लेके आए हैं खास आपके और आपके बच्चों के लिए देवपुरी फेज 3 आवासीय योजना 30 महीने की आसान किश्तों में। कानपुर रोड पर अमौसी रेलवे स्टेशन के पास TSN मेडिकल कॉलेज लखनऊ के पीछे आउटर रिंग रोड से मात्र 200 मीटर की दूरी पर, जहां पर आपको मिलेगी गेट इट कॉलोनी, डिवाइडर डामर रोड, पार्क, नाली, स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, खेलने का मैदान, स्कूल आदि की संपूर्ण व्यवस्था। जल्दी ही मिलिए विपिन जी से, समझिए और अपने वकील से परीक्षण कराकर पूर्ण संतुष्ट होकर बुक कराइए अपने सपनों का घर। पहले आए पहले पाए। अधिक जानकारी है तो विपिन कुमार वर्मा से संपर्क करें। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं JMD न्यूज आम जन। पब्लिक फोरम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको सुना रहे हैं भारत बंद पर आम जन की आवाज।
जिसमें पीड़ा है, दर्द है, कष्ट है, चेतावनी भी है, धमकी भी है और चिंतन करने का एक अवसर भी है। आइए हम चलते हैं कन्नौज, कानपुर और औरैया और वहां की आवाज सुनाते हैं। इसमें बहुत अधिक से अधिक असर पड़ेगा और ये तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं दिन पे दिन, इसमें भी काफी असर पड़ेगा। इनकी सरकार आने के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी, इनको इनको काफी दिक्कतों का भी सामना करने पड़ेगा। भारत बंद जो हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, एक उनका मुद्दा अलग है। वैसे भी SC ST एक्ट के हिसाब से मोदी सरकार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जनता त्राहि त्राहि कर रही है, परेशान है, सवर्ण के लिए बहुत बड़ी आफत बन के आई है, क्योंकि SC ST एक्ट जो उन्होंने लागू किया है उससे जो है मोदी सरकार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अभी तक पूरी सरकार 5 साल चलने के बाद जो भी चीज बढ़ी है उस पर मोदी सरकार ने कभी कोई कमी करने की कोशिश नहीं की है, चाहे वो GST का मामला हो। और तेल कंपनी के दाम तो काफी समय से बढ़ते चले आ रहे हैं, उनमें कमी तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि तेल कंपनियों को अपने दाम स्वतः निश्चित करने का जो उन्होंने अधिकार दिया है उसमें कमी आने कोई सवाल ही नहीं उठता। मोदी सरकार पर कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, कांग्रेस मरी हुई पार्टी है और यही मुद्दों के जरिए वो चाहती है कि लोग जानते रहें और जीवित बने रहें। तो कांग्रेस खत्म पार्टी है, तो जिसका निर्णय हो जाएगा 2019 में चुनाव बता देंगे। वो आएगी अत्याश्य स्तर पर समस्या है। माननीय मोदी जी, आप गरीब आदमी की बात लेकर चलती है, जानते हैं चीज़ों से दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी को परेशानी हो रही है और सरकार इसमें लगी है। ऐसा नहीं है, थोड़ा असर तो पड़ता ही है, महंगाई बढ़ जाती है। अब वो सब नियंत्रण सरकार लगी है, सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है और सरकार जान भी रही है कि आज जन भावनाओं में आक्रोश है तो उसका निश्चित रूप से कुछ नहीं है। दाम में कुछ कमी आए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार एनी रेट उसी हिसाब से भारत में भी रेट बढ़ रहे हैं। भारत बंद होता है, जनता विरोध करती है, सरकार भारत बंद का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो घोषणा की, कांग्रेस के पास आज कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस की जो समितियां बनी हुई जिले स्तर की वो अधूरी पड़ी हुई हैं। कांग्रेस को जनपदों में जब जिला अध्यक्ष ढूंढे नहीं मिल रहा है तो उनका भारत बंद का कितना असर होगा कल ये देखने को मिलेगा। एक भी व्यक्ति सड़क पर उतरने का काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी भारत बंद नहीं रहेगा, कुल आने की संभावना है। ये राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी वैल्यूएशन होता है, उसी के हिसाब से तेल की वैल्यू चलती है हमारे। बिल्कुल असर तो पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान में तेल के जो दाम बढ़े हैं उससे कोई विशेष असर फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी सब स्थितियां ठीक हैं। तेल की बात रही तो अभी चुनाव में टाइम है और सरकार उस पर बराबर चिंतन मनन कर रही है कि तेल के दाम कैसे गिराए जाए, इस पर बराबर काम हो रहा है। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा मोदी सरकार पर, क्योंकि बंद तो कोई खास मुद्दा नहीं है। तेल के दामों में तो एक नीति है, उसकी कमी आएगी लेकिन इस बंद का उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बंद अगर दामों में कमी आएगी तो वो सरकार की नीति के आधार पर आएगी। हाँ, महंगाई तो बढ़ेगी भाई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाती है ना उससे। मुद्दा बनेगा लेकिन तब तक सब चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये कोई खास मुद्दा नहीं है, इससे जनता कोई झुकाव नहीं है, सारी पार्टियां मिलकर के कर रही हैं लेकिन उसका कोई असर खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। सस्ता था तब लोग क्यों नहीं चिल्लाते थे, हैं? अभी तो विदेशों पर कीमत निर्भर करती है और जब विदेशों पर कीमत निर्भर करती है तो महंगाई तो बढ़ेगी, अभी फिर घट सकते दाम भविष्य में। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत कम होगी सरकार जरूर घटाएगी। भारत बंद का असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन बहुत कम असर पड़ेगा। महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती, जितने लोग चिल्लाते हैं उतने ज़्यादा नहीं बढ़ती। कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार हमारी बड़ी ईमानदार है और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। तेल की कीमतें तो घटती बढ़ती रहती, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। नहीं, मोदी सरकार के ऊपर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं काकादेव में रहता हूं और ये चुन्नीगंज बड़े चौराहे तक आया हूं, कोई बंद का असर नहीं दिखाई दे रहा। सर, कमी आनी चाहिए,
लेकिन क्यों नहीं आ रही है इसकी तो अर्थशास्त्री बता सकते हैं, इसका हम लोग को अध्ययन करके ही पता लगेगा भाई तेल क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों घटने चाहिए नहीं, इसका जानकारी अर्थशास्त्री लोग बता पाएंगे। देखिए विपक्षी का तो मुद्दा तेल का रहेगा ही, 100% तेल का मुद्दा रहेगा, तो तेल का दाम जब से भाजपा की सरकार बनी है लगा, लेकिन हाँ भारत बंद में लोग लगे हैं कि तेल का दाम बढ़ रहा है, आरक्षण का मुद्दा है लोग लगे हैं, लेकिन इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, झुकाव कांग्रेस तरफ नहीं होता दिख रहा पब्लिक का बिल्कुल, ये जान लीजिए। इसका ऐसा कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं सुबैंक में रहता हूं और पूरा बाजार खुला है, ऐसा कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सरकार ये तो एक व्यवस्था बनी है अंतर्राष्ट्रीय और इसकी रेट निर्धारण की, तो गवर्नमेंट जरूर इस पर विचार करेगी कि इसके रेट को नियंत्रित रखा जाए। नहीं ये तो बड़ नेचुरल है कि जब जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, किराया महंगाई ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ता है इसका। आप देख रहे हैं कि पहले जब एक बार 68 रुपया लीटर कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल पहुंच गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे आर्थिक आतंकवाद करार दिया था, और गैस जब हम 300 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे आज तो 870 में है, तब स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर अपने सिर पर रखकर फोटो खिंचवा रही थी। आज सारे जिले में और सारे जिले में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात से रोष है। और आपने जो अंतिम पड़ाव की आवाज सुनी उस आवाज में साफ साफ कह रहे हैं कि बंद का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और इसका कारण ये भी बता रहे हैं कि एक तो तेल के दामों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हो सकता है और सरकार इसमें कुछ कर भी नहीं सकती है, लेकिन ये भी सही है कि सरकार की ओर से कुछ सोच विचार जारी है और उस सोच विचार में तेल के दाम कम भी होंगे ये भी कहा जा रहा, लेकिन सवाल बड़ा है कि बंद का असर क्यों नहीं पड़ेगा, चुनाव पे असर क्यों नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई दम नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है, इसीलिए बंद का कहीं कोई असर नहीं है। बता रहे हैं फलाने फलाने इलाके के बाज़ार खुले हुए हैं, तो कहाँ असर है? तो जब असर है ही नहीं तो सरकार पर भी असर नहीं पड़ेगा, और अभी चुनाव आने में समय है, सरकार कुछ ना कुछ विचार करेगी और तेल के दामों को घटाएगी, ये साफ साफ जनता का भी कहना है, क्योंकि जनता ये मान रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम घटते बढ़ते हैं उसी का असर हमारे देश पर पड़ता है। और एक बात और साफ है, जो दाम बढ़ रहे हैं उसके कई कारण भी गिनाए जा रहे हैं। पहला कारण तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य, नंबर दो जो हमारे देश में लगने वाले टैक्स, और नंबर तीन जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है वो है डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरता मूल्य। डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य निरंतर गिर रहा है, ये एक चिंता की बात है, और इस कारण और भी तेल के दाम कम हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि तेल के दाम कम किए जाएं, लेकिन कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं, और हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि GST में आ जाए, और अगर GST में आएगा तो 14-15% तक तेल के दामों में कमी आएगी, ये हमारे पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, और सरकारें इसको लेकर के चिंतित हैं। मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान में चुनाव है, कल ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 4% बैट में कमी कर दी है, इसका असर बढ़ेगा, और कोई ताजुब नहीं है एक दो दिनों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ से भी इस तरीके की आवाज़ें आने लगें कि हमने बैट के दाम कम कर दिए। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार पर असर पड़े या न पड़े, चुनाव का मुद्दा ये बने या न बने, लेकिन जनता तो त्रस्त है। ट्रांसपोर्टर्स ने
अपने भाड़े में वृद्धि कर दी है। उनका कहना है 11 महीने में 11 रुपए बढ़े हैं तेल के दाम एवरेज में, 11 महीने में 11। ये बात वो आंकड़े सब बता रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि आज मुंबई में 88 रुपए से अधिक पर तेल बिक रहा है, 80 तो कई जगह पार कर गया है। एक विषम समस्या है, और इस समस्या का हल क्या निकालती है सरकार ये भी देखना होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि बंद का असर पड़े या न पड़े सरकार पर वो दूसरी बात है, क्योंकि लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, अरे तो अराजकता फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है और कोई दिक्कत नहीं है, आज जनता इनके साथ में नहीं है, बार बार कहा जा रहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतनी बातों से काम नहीं चलेगा, काम जब चलेगा जब जनता को राहत मिलेगी। देखते रहिए जेएमडी न्यूज, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी।